घटित हुई है, जिसे सूचना मिली हमें, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हो गया और नगर पालिका प्रशासन से हमने जो भी पानी का टैंकर था जल्दी पहुँचा कर कार को कंट्रोल किया है। और ये कपड़े की एक दुकान थी जो एक्सपोर्ट पर काम करते थे, अंदर कोई मंदिर था उसमें कोई दीपक जल रहा था, उससे कुछ घटना घटित हुई है और इसके मौका पर्चा बनाया जा रहा है जिसका कितना नुकसान हुआ है उसका आर्थिक रूप से और कितना कपड़ों का नुकसान हुआ है इसका हम आकलन करके और इसका पता दिया जाएगा और इसको अभी तक कंट्रोल कर लिया गया है और पूरा इसका हमें नज़र है, पुलिस प्रशासन साथ में रहे हैं। ये हमारे पड़ोस में घर के पास शिव मंदिर है, वहाँ पर एक अचानक आग लगी है तो हम जो क्षेत्रवासी हैं सभी लोग आए और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और साथ में नगर पालिका को सूचित किया, जो फायर ब्रिगेड भी आ गई और पुलिस विभाग तहसीलदार सभी लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पर नुकसान हुआ उनका आकलन अभी पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका पूरा सहयोग रहा आग बुझाने में, जल्द से जल्द आग बुझ पाई और समय पर सभी लोग आ गए। एक घंटा लगभग लगा, एक से डेढ़ घंटा, जिसमें पहले यहाँ के स्थानीय लोग जो पड़ोस के क्षेत्र के लोग हैं वो सभी ने यहाँ पानी टैंकर द्वारा जल्द आग बुझाने का प्रयास पहले से चालू कर दिया। सर, पुलिस के द्वारा और आर्मी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्म चौक के अंदर आग लगी है, तो आकर देखा तो कपड़े के गोदाम में अंदर आग लगी हुई थी और काफ़ी आग फैल चुकी थी। उसको आने के बाद फिर पूरी आग को काबू पाया, अभी तो नॉर्मल कंडीशन है। नहीं, उसकी माल की काफ़ी नुकसान हुआ है, जन आने की कोई समस्या नहीं है।